Hello, good morning everyone. थोड़ा टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया क्लासेस. ठीक है, तो वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए सबके साथ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं. कंटिन्यू शेयर कर दीजिए सबके साथ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं. कंटिन्यू. हमने कल काफी क्वेश्चंस का डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में अबाउट पीडियाट्रिक्स में, जैसे कि ठीक है, तो हम 25 क्वेश्चंस कर चुके थे वहाँ पे लास्ट क्लास में कंप्लीट. देन उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे आज डिस्कस. आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट कर पाए. काफ़ी टाइम लग गया, 8 बजे का टाइम था, पर थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था स्ट्रीमिंग वगैरह का, तो सेटअप करने के बाद हम लाइव आ पाए हैं. गुड मॉर्निंग निशिका जी, गुड मॉर्निंग. तो देखिए, काफ़ी जो क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली एम्स में आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने इस पेपर सेट को एक तरह से एम्स के लिए सेट किया था. कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, जैसे एक्सरे बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, एंड जो प्रोसीजर्स है, पर आपको डायरेक्टली इमेज के बारे में नहीं पूछा जाता है, रिगार्डिंग द इमेज पूछा जाता है कि इमेज में क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना है वहाँ पर, और क्या क्या अपन यूज़ कर सकते हैं. तो डायरेक्टली इमेज के बारे में नहीं पूछते, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स में जो न्यू पैटर्न है. गुड मॉर्निंग राहुल जी. ठीक है, तो देखिए आप वीडियो को शेयर कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, आइडेंटिफाई द इमेज, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है. ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ECT, नेक्स्ट बी ऑप्शन आपके पास EEG, नेक्स्ट है ECG एंड ABR. तो देखिए आप इमेज बेस्ड में इमेज में देख सकते हैं, चाइल्ड है, दैट इज काफ़ी सारी प्रोब से जुड़ा हुआ है. तो ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो आपको इसके रिगार्डिंग आंसर करना है कि कितना कौन से टेस्ट में ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, गुड मॉर्निंग. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए 26 नंबर का. एक और चीज कि आप जो भी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे करें, प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ करें, बेटर रहता है असेसमेंट करने के लिए. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज, आपको इमेज आइडेंटिफाई करना है और उसके रिगार्डिंग आंसर करना है. फर्स्ट ऑप्शन ECT है, नेक्स्ट EEG है, नेक्स्ट ECG है एंड DABR है. तो प्लीज आप अपना आंसर लॉक कर सकते हैं, आपके पास 30 सेकंड्स अवेलेबल है, तो आप आंसर कर सकते हैं. जो भी ऑनलाइन कैंडिडेट अवेलेबल है वो आंसर कर सकते हैं. आपको एक इमेज दिख रहा है, क्लियर. ठीक है, और इसमें कौन कौन से आंसर्स होंगे वो आप आंसर्स कर सकते हैं. दिव्या जी ने आंसर किया है इजी. ओके, देखिए इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है, बट आपने अगर प्रीवियस उसको देखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि सिमिलर चीजें काफी होती है प्रोसीजर्स में. तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो आपका आंसर जाता है 26 नंबर क्वेश्चंस के लिए, ये आपके पास ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्पॉन्स,
वाला क्वेश्चन है जो कि रिगार्डिंग द जो जॉइंटिस वाली प्रॉब्लम से उसमें देखा जाता है। देखिए आपके पास जो आंसर है, ये इमेज देख लीजिए पहले आप, उसके बाद जो आंसर देखिए आप, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्पॉन्स, ठीक है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्पॉन्स अपन इस इमेज के द्वारा चेक कर रहे हैं। जो आपको जो आपने आंसर दिया वो इसलिए दिया आपने आंसर के इसके ब्रेन के ऊपर इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, पर आपने देखा होगा कि ईईजी में एक या तीन चार इलेक्ट्रोड्स नहीं होते हैं, काफी सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि असेसमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स यूज किए जा रहे हैं। तो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्पॉन्स वाला ये आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए इसको कहाँ किया जाता है, परफॉर्म कहाँ किया जाता है, इसको आप बेरा टेस्ट भी बोलते हैं, इसको बेरा टेस्ट बोलते हैं। जो कर्निक टेरस प्रॉब्लम है, मतलब जब ब्लूरुबिन लेवल 20 mg/dL से ज्यादा हो जाता है ड्यू टू जॉइंटिस कंडीशन के कारण और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, तो काफी सारे न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज वहां पर होता है। उसको असेस करने के लिए, ऑडिटरी सिस्टम्स को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, बेरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बेरा टेस्ट को अगर आप क्लासीफाई करें तो देखिए ब्रेन स्टेम इवॉक्ड मतलब मेमोरी रेस्पॉन्स ऑडिटोमेट्री, इसको अपन चेक करते हैं इसके अंदर कि ब्रेन स्टेम का कंडीशंस क्या है, मेमोरी लेवल क्या है, बेबी रेस्पॉन्स कैसे कर रहा है एंड ऑडिटोमेट्री क्या, उसको हियरिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं हुआ है ड्यू टू जॉइंटिस की वजह से, ठीक है। तो अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है विच इज लीस्ट डिस्टर्बिंग ऑटो डिलीवरी सिस्टम इन न्यू बॉर्न मैनेज हाइपोक्सिया, ठीक है, विच लीस्ट डिस्टर्बिंग ऑटो डिलीवरी सिस्टम इन न्यू बॉर्न टू मैनेज हाइपोक्सिया, कि कौन सा कम डिस्टर्ब करने वाला या कम प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सिस्टम है जो कि इजीली हम क्या कर सकते हैं एक चाइल्ड के लिए ऑटो डिलीवरी करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो न्यू बॉर्न ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीहुड, नेक्स्ट है ऑटो मास्क, नेक्स्ट नेजल प्रोंग्स, नेक्स्ट है सीपैप, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए, मैंने पहले भी बोला है आपको। तो 27 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है कि लिस्ट डिस्टर्बिंग, ठीक है, देखिए सिस्टम सब कुछ वही आपने पढ़ा हुआ है, पर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसका चेंजेस किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया आपको लिस्ट डिस्टर्बिंग ऑटो डिलीवरी सिस्टम इन न्यू बॉर्न, ठीक है, तो उसके लिए आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीहुड जो आपका आंसर है, ऑक्सीहुड क्या होता है, इस प्रकार का इमेज आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी मिल सकता है, आप इमेज देख पा रहे हो सब कि ऑक्सीहुड है। ऑक्सीहुड क्या होता है, लेस डिस्टर्बिंग होता है, बिकॉज क्यों, बिकॉज आर्म एंड माउथ क्या होता है कंप्लीटली फ्री होता है, एक चेंबर होता है गैस का, ठीक है, उसके अंदर बेबी को सिर को फिक्स कर दिया जाता है या उसके अंदर रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है बेबी अपने आर्म्स को और हैंड हेड को कंप्लीटली क्या कर सकता है, मूवेबल कर सकता है। तो बेबी को क्या है ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, बेबी इरिटेशंस महसूस नहीं करता है। मान लीजिए हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें, जैसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑटो मास्क यूज कर रहे हैं, तो ऑटो मास्क क्या करता है कंप्लीटली फेस को कवर करता है, नेजल प्रोंग्स नेजल इरिटेशन करते हैं, सीपैप मशीन्स में नेजल इरिटेशन करती है, तो बेबी क्या होता है थोड़ा सा इरिटेंस महसूस करता है और ऑटो डिलीवरी सिस्टम ऑटो डिलीवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक और चीज याद रखिए, ऑक्सीजन हुड जैसे ही आपका डिलीवरी होता है बेबी का, तो मोस्ट ऑफ जो बेबीज होते हैं हेल्दी बेबीज उनमें भी क्या होता है कुछ टाइम के लिए ऑटो डिलीवरी सिस्टम जो यूज किया जाता है वो ऑक्सीहुड यूज किया जाता है। अब ऑक्सीहुड की बात करते हैं कि ऑटो कंसंट्रेशन कितना होता है, तो देखिए फ्लो रेट हमको कितना रखना है 10 to 15 liter/min रखना है, ठीक है, जो ऑटो डिलीवरी सिस्टम है ऑक्सीहुड के लिए फ्लो रेट कितना होना चाहिए 10 to 15 liter/min इसका फ्लो रेट होगा। और एक और चीज याद रखिए, जैसे कि बच्चा सीपैप से बाहर आता है नेजल प्रोंग से बाहर आता है, तो डायरेक्टली उसको ऐसा नहीं है कि उसको लेफ्ट छोड़ विदाउट ऑक्सीजन छोड़ दिया जाता है, उसको प्लेस किया जाता है ऑक्सीहुड थेरेपी मेथड पे। मतलब मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन है और क्रिटिकल कंडीशन सोल हो गई, मतलब बेबी क्या है रिकवर हो चुका है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिकवर हो चुका है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली उसका असेसमेंट करने के लिए कुछ टाइम के लिए उसको कहां पर रखा जाता है ऑक्सीहुड थेरेपी पे रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीन, ठीक है, ये भी ये आपको एक मशीन दिख रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन से आपके पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीन, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है ए पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, ठीक है, ए पीडियाट्रिक वेंटिलेटर। नेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है डायलिसिस मशीन, सी ऑप्शन आपके पास है हार्ट लंग्स मशीन, नेक्स्ट डी आपके पास अवेलेबल है बबल
सी पी एफ। तो जो आपको इमेज में जो मशीन दिखाई दे रहा है वो मशीन किस चीज का है, इसके रिगार्डिंग आपको आंसर करना है यहाँ पे 28 क्वेश्चंस के लिए, कि जो मशीन आपको दिख रहा है पीडियाट्रिक सेटिंग्स के अंदर वो किस प्रकार का मशीन है। पीडियाट्रिक वेंटिलेटर है, डायलिसिस मशीन है, हार्ट लंग्स मशीन है, बबल सी पी एफ है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन करना है, ठीक है। देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन से बिल्कुल ये जितने भी इमेजेस है पीडियाट्रिक सेटिंग या जो भी हॉस्पिटल से वहां पर अवेलेबल होती है, जब आप मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो आपको वहां सब ये अवेलेबल मिलेगा। तो इसके लिए आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, एबीसीडी आपको ऑप्शंस दिए गए 28 क्वेश्चंस के लिए। और प्लीज वीडियो को शेयर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीन, फर्स्ट आपके पास है पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, नेक्स्ट है आपके पास डायलिसिस मशीन, नेक्स्ट है हार्ट लंग्स मशीन, नेक्स्ट है बबल सीपैप, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए जो आपका आंसर जा रहा है पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, हार्ट लंग्स मशीन, डायलिसिस मशीन, इनमें से कोई भी ये नहीं है। ये जो मशीन है मैं क्लियरली आपको विजिबल हो पाएगा, दैट इज पीडियाट्रिक बबल सीपैप, ठीक है। पीडियाट्रिक बबल सीपैप है, मतलब बबल सीपैप अपन यूज करते हैं बेबीज का मैनेज करने के लिए, तो वहां पर यूज किया जाता है। अब इसमें देखिए आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, इसमें आपको वेंट ट्यूबिंग के जैसे ट्यूबिंग भी दिखाई दे रहा है, मुझे पता है इसलिए आपने आंसर थोड़ा गलत किया है, और हार्ट लंग मशीन भी आपको लग रहा है। पर आपको क्या करना है, जब बबल सीपीएफ जो भी इमेज आएगा, इमेज काफी टाइप्स के होते हैं, जरूरी नहीं है जो इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है वही इमेज आपको कहाँ मिले, एग्जाम में मिले। तो आपको बबल सीपीएफ के लिए जो एरो दिख रहा है, एरो देखिए आप, ठीक है, जो आपको बबल सीपीएफ में जो स्टेंट्स के साथ एक मशीन दिखाई दे रही है एरो कर्सर के साथ में आपको शो कर रहा हूं, ये आपको वहां पर मॉनिटर करना है, ठीक है। जो ये राउंड शेप में जो है आपको इसको क्या करना है, मॉनिटर करना है। अगर बबल सीपीएफ तभी बोलेंगे जब सीपीएफ जुड़ा होगा, तो बबल सीपीएफ के लिए एक मशीन होता है वहां पे, ठीक है, जो कि इसके साथ एक स्टैंड है उसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ ट्यूबिंग कनेक्टेड है। तो ये क्या करता है, मैनेज करता है ह्यूमिडिटी कितना रखना है, कितना मैनेज करना है। और पीडियाट्रिक जैसे ही आप बेबी क्या होता है आफ्टर इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन करने के बाद एक्सट्रूबेट किया जाता है, मतलब ईटी ट्यूब उसका निकाल लिया जाता है, तो उसको कुछ टाइम के लिए कहाँ रखा जाता है, बबल सीपीएफ पे रखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है उसको डायरेक्टली एक्सट्रूबेट करने के बाद लेफ्ट छोड़ दिया जाता है, उसको बबल सीपीएफ थेरेपी पे रखा जाता है। क्लियर है सभी का? तो इसके लिए आपका आंसर क्या जाएगा, बबल सीपीएफ, इसके लिए आपका आंसर जाएगा। कौन सा मशीन है, बबल सीपीएफ मशीन है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन इन एक्सरे शो बाय द एरो। एक अभी इमेज में आपको शो करूंगा यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन शो बाय द एरो। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कंजिनाइटल मेगाकोलन, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड डायवर्टिकुलाइसिस, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास वहां अवेलेबल होंगे, तो आप देखिए एक्सरे कंडीशंस आपको मोस्ट ऑफ एम्स पूछा जा रहा है, बार बार आया, तो मैंने सभी पीडियाट्रिक्स जितने भी मोस्ट ऑफ डिजीज कंडीशन है उनसे रिलेटेड एक्सरे यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो देखिए आपके पास जो एक्सरे दिख रहा है, ठीक है, पहले आप एक्सरे देख लीजिए अच्छे से, मैं ऑप्शंस आपको वापस रिव्यू कराता हूं, ठीक है। पहले आप एक्सरे, सबने एक्सरे देख लिया, कंफर्मेशन कीजिए कि आप सभी एक्सरे देख पा रहे हैं अच्छे से, और इसमें एक एरो है, एरो के बीच में कोई चीज आपको शो हो रही है, ठीक है। आपको क्या देखना है, इसमें जो एरो है, एरो के बीच में जो आपको पॉइंट चीज दिख रहा है वो आपको देखना है एक्सरे में, ठीक है, दिख रहा है। अब ऑप्शन देखिए इसके रिगार्डिंग के ऑप्शंस क्या है, आपने एक्सरे देखा, आप ऑप्शंस देख लीजिए। आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन शो बाय एक्सरे, फर्स्ट आपके पास था कंजेनाइटल मेगाकोलन, नेक्स्ट था टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, नेक्स्ट है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस, नेक्स्ट है डायवर्टिकुलाइसिस। तो आपका इस इमेज के लिए क्या आंसर रहेगा, एक्सरे आप क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या करोगे, अगर आपको ऐसा इमेज मिलता है एग्जाम में तो आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होगा, ठीक है। अगर आपको ये इमेज वहां पर मिलता है बिटवीन द एरो जो दिख रहा है, तो आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होगा, तो देख लीजिए आपका जो ऑप्शन से अवेलेबल है आपके पास, कंजेनाइटल मेगाकोलन, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, पाइलोरिक स्टेनोसिस और डायवर्टिकुलाइसिस। देखिए एक्सरे में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज लास्ट टू ईयर्स, लास्ट जो दो एग्जाम्स हुए थे आपके उनमें पूछा गया है, ठीक है, हस्पिंग डिजीज से रिलेटेड एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट से रिलेटेड आपसे क्या पूछा गया था, वहां पर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आप इमेज क्लियर नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है, क्लियर देखिए आप इमेज एक्सरे में क्लियर नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इमेज आपको एक्सरे में क्लियर मिलेगा, इसी तरह का इमेज आपको एक्सरे में मिलेगा,
इससे ज़्यादा इमेज क्लियरिफिकेशन नहीं होता है एक्सरे में, बस इतना ही इमेज आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो देखिए आप, एक्सरे आपको दिख रहा है, उसमें चेस्ट है, एब्डोमिनल केविटी है, दोनों है, और दोनों के बीच में कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका आंसर्स इसके रिगार्डिंग है वो क्या है, आपका पहले ऑप्शन देख लीजिए, कंजेनिटल मेगाकोलन था, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड था, पाइलोरिक स्टेनोसिस था, और डायवर्टिकुलाइसिस था। तो देखिए इसमें क्या होता है, ब्लॉटमेंट ऑफ एब्डोमेंस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस आपका आंसर वहां पर रहेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि तो आपका क्या हुआ है, पाइलोरिस वाला जो पार्ट है वो क्या हो चुका है, स्टेनोसिस हो चुका है, और जो एब्डोमेन है वो क्या है, एनलार्ज होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, जो स्टोमक है वो एनलार्ज मिलेगा थोड़ा सा, और आपको पाइलोरिक कंडीशन वहां पर दिखाई दे रही है, जहां से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको पाइलोरस पार्ट पे स्टेनोसिस दिखाई दे रहा है, उसके बाद जो स्टोमक है वो क्या है, आपको ब्लॉटमेन दिखाई दे रहा है, तो ये कंडीशन वहां पर आपको मिलेगी। क्लियर है सभी को, देख लीजिए आप एक्सरे फिर से कि आपको क्या एक्सरे वहां पर मिलेगा। तो जो पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन है, अब पाइलोरिक स्टेनोसिस से रिगार्डिंग थोड़ा बहुत अपन डिस्कशन कर लेते हैं, की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो देखिए, मसल एनलार्जमेंट ऑफ पाइलोरिक इंस्पेक्टर आर रिजल्ट इन नैरोइंग इंस्पेक्टर मींस स्टेनोसिस। अब क्या होता है, पाइलोरिक जो स्पेस है स्टोमक से जो कनेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, उसमें क्या हो जाता है, जो मसल्स वाला लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, उसमें क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी होने की वजह से जो पार्ट है पाइलोरस वाला वो क्या हो जाता है, नैरोइंग हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कंटेंट है, फूड कंटेंट, वो नीचे की ओर नहीं जा पाते कंटिन्यूसली, और वो जो एरिया जो कि क्या हुआ है, हाइपरट्रॉफी की वजह से स्पेस कम हुआ है, तो उस कंडीशन को अपन स्टेनोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ कंडीशन एज ग्रुप बात करें, अगर एज ग्रुप कब दिखाई देता है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस जब करते हैं तो 3 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस मिलेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस का। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग दिस, तो 3P उनको बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल ओमेटिंग आपको वहां मिलेगा, उसमें भी क्या मिलेगा, नॉन बिलियस ओमेटिंग। नॉन बिलियस ओमेटिंग का मतलब है कि बिलिरुबिन का जो कंटेंट है जो वो आपको वहां पर नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टोनोसिस की वजह से स्टोमक कंटेंट है वही आउटसाइड ऑफ द इसोफेगस आपको देखने को मिलेंगे, तो नॉन बिलियस ओमेटिंग होगा। नेक्स्ट पेरास्टाइसिस विजिबल लेफ्ट टू राइट साइड, आपको क्या मिलेंगे, पेरास्टाइसिस वहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, पालपेबल ऑफ ऑलिव लाइक मास्क, तो देखिए जो आपका स्टोमक के आसपास जब आप पालपेट करोगे तो आपको ऑलिव लाइक मास्क वहां पर मिलेगा, ठीक है। मास्क लिखा हुआ है पर मास्क आएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको वो कंडीशन वहां पर मिलेगी। तो क्लियर है, 3P सिम्टम्स क्या हुआ है उसके, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जो एम्स मोस्ट ऑफ एम्स ने आज तक जो क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग पाइलोरिक स्टेनोसिस के क्या इंपॉर्टेंट साइन है, तो आपका प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग उसमें ऑलवेज ऑप्शन में आपको अवेलेबल रहता है। इसके बाद पेरिस्टाइसिस विजिबल होंगे राइट लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है पाल्पेबल ऑलिव लाइक मास्क। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो पाइलोरोमायोस्टोमिया अपन वहां पर करते हैं, ठीक है, उसको क्रिएट करके सर्जिकल ओपनिंग स्टेनोसिस को क्रिएट करके वहां पर ओपनिंग उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है 29 नंबर का, ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपके पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज क्वेश्चन है और आपको एक एक्सरे दिया गया है, ठीक है, ये सेम पहले भी एक्सरे आपको अवेलेबल था। अब देखिए दोबारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, ऑप्शन आपके पास है कंजेनाइटल मेगाकोलन, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, पाइलोरिक स्टेनोसिस एंड इंस्टू सेप्शन। तो आपके पास एक्सरे इमेज ही देख लीजिए आप इसको क्लियरली, ठीक है, क्लियरली आप एक्सरे देख लीजिए एक बार, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ऑप्शंस, पहले वाले जो ऑप्शंस थे वैसे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, और आप ठीक है 29 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरे इमेज आपके सामने क्लियर, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सबने देखा इमेज, क्लियर है सभी का, ठीक है, इमेज देख लीजिए आप। इसके बाद देखिए आप ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कंजेनाइटल मेगाकोलन, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, पाइलोरिक स्टेनोसिस इनटू सेप्शंस। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरे के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आंसर करना है 29 क्वेश्चंस के लिए, क्या ऑप्शंस आप वहां पर करके आओगे। 2 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है एम्स का और आपको ये इमेज वहां पर मिलता है, सोच लीजिए आपको ये इमेज आपको मिलता है तो आपका आंसर क्या रहेगा। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, ठीक है, नेक्स्ट कमेंट कर सकते हैं, जितने भी लाइव है प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि अपन सॉल्यूशन सभी कर पाएंगे जब आप कमेंट्स करोगे।
देख लीजिए आपको क्या दिख रहा है, आपको देखना है ठीक है। देखिए आप दो आंसर भी कर सकते हैं, इसमें एक डिसऑर्डर नहीं है, दो तरह के डिसऑर्डर है। पहली बात तो जो एक्सरे है इसमें एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं दिया हुआ है, दो डिसऑर्डर या दो डिजीज कंडीशन इसके अंदर है। एक को आपने आइडेंटिफाई किया है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है ठीक है। एक का आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट ऑफ द आपको दिखाई दे रहा है ठीक है। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए इस इमेज को मैंने मेंशन किया है कि आपको दोनों भी वो दे सकता है ऑप्शन में ठीक है, ए बी करके दे सकता है, पर रिगार्डिंग आपका आंसर यही जाएगा यहाँ पे। टेट्रोलॉजी फैलोट के अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं शायद, इसलिए देखिए आप दो ऑप्शन आपके यहाँ पर रहेंगे इस इमेज के रिगार्डिंग ठीक है। जो ऊपर वाले डिजीज कंडीशन है उसमें से दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, फर्स्ट आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है। संजना शर्मा जी ने आंसर दिया है कंजेनाइटल मेगाकोलो। तो देखिए जो इमेज बेस आपको दिख रहा है इसमें एक तो आपको बूट शेप हर्ट दिख रहा है, पर देखिए ये क्लियर बूट शेप हर्ट नहीं है पहली बात ठीक है, कंप्लीटली नहीं दिख रहा है, थोड़ा कोनिकल शेप का हार्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ठीक है। जो बेबी के पोजीशन डिस्टर्ब होने वैसे हो चुका है, जो क्लियर डिसऑर्डर आपको यहाँ आइडेंटिफाई हो रहा है वो क्लियर डिसऑर्डर आपका क्या है, कंजेनाइटल मेगाकोलन या हस्पिंग डिजीज है, जो कि 2018 के अंदर एम्स ने पूछा था दिल्ली एम्स के अंदर एक्सरे में कि हस्पिंग डिजीज का उसने डायग्राम दिया था और क्या दिया था उसमें, आपको कंजेनाइटल मेगाकोलन वहां पर देखने को मिल रहा था। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट देखे कंजेनाइटल मेगाकोलन 2018 में आया हुआ है, क्लियर है एम्स के अंदर। पहले बूट शेप हर्ट भी आ सकता है, उसका डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट आपके पास क्या है ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको एक इमेज दिख रहा है, क्लियर है, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स शो इन द फोटोग्राफ्स ठीक है। ये आपको एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, फोटोग्राफ का जो रिलेटेड एग्जाम है वो 2018 के अंदर आया है, इस तरीके से नहीं पूछा है, किसी दूसरे तरीके से उन्होंने पूछा था, हमने थोड़ा विजुअलाइजेशन उसका चेंज किया है। देखिए आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स शो इन द फोटोग्राफ 2018 के अंदर है और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, सिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स, पर्ज रिफ्लेक्स, क्राउल रिफ्लेक्स और ग्लांट रिफ्लेक्स ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स शो इन द फोटोग्राफ 2018 के अंदर है, इसके अंदर पूछा गया है ठीक है। एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स, पर्ज रिफ्लेक्स, क्राउल रिफ्लेक्स और ग्लांट रिफ्लेक्स ठीक है। ग्रांड रिफ्लेक्स को ट्यूनिकल इनकर्वेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं ठीक है। तो आपको 13 क्वेश्चन के लिए आंसर करना है। गुड मॉर्निंग रेणुपाल जी मैम ठीक है। तो आपको क्या करना है, 13 क्वेश्चन है उसके लिए आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर कर सकते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्स आपको इमेज में आइडेंटिफाई हो रहा है, और भी जो भी आपको अगर कुछ जैसे वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप नर्सिंग वाईफाई पे जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहां पर हमने काफी सारे वीडियो बेस्ड पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड क्या डाले हुए हैं, रिफ्लेक्सेस डाले हुए हैं या कोई भी प्रोसीजर वाले शॉर्ट क्वेश्चन से जो हम यहाँ पर आपको इमेज में मतलब वीडियो बेस्ड शो नहीं कर पा रहे वो वहां पर आपको अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं एक बार ठीक है। तो देखिए आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्स शो इन द फोटोग्राफ 2018 में पूछा गया था। तो देखिए पर्ज रिफ्लेक्स एंड ग्लांट रिफ्लेक्स, क्योंकि मोरल रिफ्लेक्स है नहीं और क्राउड रिफ्लेक्स है नहीं, तो अपन सबसे पहले इनको एक्सक्लूड करेंगे क्वेश्चन में से। अपने पास दो रिफ्लेक्स बचते हैं, पर्ज रिफ्लेक्स एंड ग्लांट रिफ्लेक्स ठीक है। तो देखिए इसमें जो आइडेंटिफाई हो रहा है इमेज में, पर्ज रिफ्लेक्स में अपन क्या करते हैं, जो स्पाइन होता है उसके थ्रू क्या देते हैं, उसको स्ट्रोक देते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड ठीक है, क्लियर है। और अपन क्या कर रहे हैं ग्लांट रिफ्लेक्स में, वन साइड ऑफ द स्पाइन, साइड स्पाइन के वन साइड में। तो देखिए क्लियर जो लाइन आपको वहां पर दिख रही है, जो आइडेंटिफाई द फिंगर के द्वारा कर रखी है, वो क्या है, स्पाइन के थोड़ा साइड में वन साइडेड है, तो उसको अपन क्या बोले ग्लांट रिफ्लेक्स। और इसमें होता क्या है देखिए, व्हेन गिविंग सुपाइन पोजीशन, सबसे पहले अपन सुपाइन पोजीशन में दे सकते हैं, उसमें लेफ्ट लेटरल यूज किया गया है, विद पेनफुल टच ऑफ द वन साइड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के वन साइड में अपन को क्या करना है, पेनफुल टचिंग करना है। देन बेबी रेस्पॉन्स क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ द सेम साइड स्पाइन, स्पाइन के सेम साइड में क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, मतलब जो उसका लेग है एंड जो उसका हेड है उसी साइड में फ्लेक्शन करेगा, जिस साइड में आप क्या करोगे पेनफुल स्ट्रोक आप दोगे। मान लीजिए आप लेफ्ट साइड में पेनफुल स्ट्रोक देते हो तो लेफ्ट साइड में क्या करेगा, वो फ्लेक्शन करेगा, और राइट साइड में अगर आप देते हो तो राइट साइड में फ्लेक्शन
करेगा। अब देखिए डिसअपियर कब होता है, तो डिसअपियर 3 to 4 months के अंदर डिसअपियर हो जाता है। अगर मान लीजिए यही इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है और जो फिंगर शो कर रहा है वो कहां पर शो करे, आपको स्पाइन के ऊपर, ठीक है, स्पाइन के ऊपर अगर इस इमेज बेस्ड में शो किया जाए तो पर्ज रिफ्लेक्स होगा। क्लियर है सभी को? और पर्ज रिफ्लेक्स में क्या होता है, पूरी बॉडी को लोडोसिस पोजीशन में बना लेता है, इसलिए लोडोसिस रिफ्लेक्स भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है 31 नंबर का, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन द इमेज। जो इमेज है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिसऑर्डर यहां पर दिया गया है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन द इमेज, ठीक है, आपको एक हैंड दिख रहा है, हैंड में क्या दिख रहा है, आपको कनेक्टेड फिंगर्स आपको दिखाई दे रही है, तो आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो देखिए पोलोडक्टली आपके पास पहला ऑप्शन है, ओलिगोडक्टली आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, नेक्स्ट आपके पास सिंडक्टली आपके पास ऑप्शन है, नथिंग ऑन अबो, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो देखिए सिंडक्टली यहां पर अपना जब भी कनेक्टेड फिंगर्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंडक्टली। पोलोडक्टली मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा फिंगर हुआ, ठीक है। ओलिगोडक्टली मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या है, कम है फिंगर्स, 5 होता है उसमें, कम है, सिंडक्टली मतलब कनेक्टेड, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सिंडक्टली इज ए कंडीशन वेयर इन 2 or more डिजिट आर फ्यूज टुगेदर, दो फिंगर्स या 2 से ज्यादा फिंगर्स क्या होगी, एक साथ फ्यूज टुगेदर होगी लॉन्गिट्यूडिनल, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सिंडक्टली। सिंडक्टली वाले कंडीशन ऐसा ही नहीं है केवल हैंड में परफॉर्म हो, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर फुट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, फुट के अंदर भी क्या मिल सकता है आपको, सिंडक्टली वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है जो साइन ऑफ कोल्ड स्ट्रेस दैट अल्टर द नर्व्स व्हेन केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, साइन ऑफ कोल्ड स्ट्रेस, ठीक है, कोल्ड स्ट्रेस वाली कंडीशन है किसके अंदर, ये अपने अपडेटेड, ठीक है, जो आपके पास साइन ऑफ कोल्ड स्ट्रेस दैट अल्टर द नर्व्स व्हेन केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, तो कोल्ड स्ट्रेस किस चीज को अल्टर्ड कर देगा, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर, वो आपको यहां पर आंसर करना है, अल्टर कर देगा, ठीक है, वो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए 32 आंसर्स क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि किस चीज को अल्टर करेगा कोल्ड स्ट्रेस वाली कंडीशन, डिक्रीज एक्टिविटीज लेवल, ओके, और भी आंसर कर सकते हैं। साइन ऑफ कोल्ड स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल बिलो टेम्परेचर 36.5 से जब टेम्परेचर कम होता है दैट इज कंडीशन इज कोल्ड स्ट्रेस, मतलब माइल्ड हाइपोथर्मिया वाली जो कंडीशन होती है उसको अपन कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। और कोल्ड स्ट्रेस बेबी के अंदर क्या चीज को अल्टर करेगा, हाइपोथर्मिया करेगा, डिक्रीज एक्टिविटीज लेवल करेगा, शेकिंग करेगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी करेगा रेट, तो क्या वो करेगा। तो देखिए आपके ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहा हूँ आपके ऑप्शन देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए जो आंसर्स अपने पास अवेलेबल है वो आंसर्स क्या है, देखिए नीड मोर ऑक्सीजन ड्यू टू रेस्टलेसनेस एंड मोर एक्टिविटीज, ठीक है, क्या आवश्यकता पड़ेगी कि बेबी क्या है कोल्ड स्ट्रेस में है तो क्या होगा उसको, हाइपोक्सिया की वजह से रेस्टलेसनेस वाली कंडीशन उसके अंदर देखने को मिलेगी, और उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए बेबी क्या करेगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा लेगा, तो आपको क्या मिलेगा कोल्ड स्ट्रेस वाली कंडीशन में, आपको बेबी के अंदर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मिलेगी नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है, टेकी पीने वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे अपन ने कल बात किया था कि हाइपरथर्मिया है तो उसमें भी क्या मिलता है आपको, टेकी कार्डिया मिलता है, हाइपोथर्मिया है तो आपको उसमें क्या मिलता है, ब्रेडी कार्डिया कंडीशन मिलती है। तो ये भी आप रखिए वाइटल साइंस से रिगार्डिंग कि कौन सी एक्टिविटीज में आपको चेंजेस मिलते हैं, ये भी अपन को डिस्कस करना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कोल्ड स्ट्रेस वाली कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट आपको कोल्ड स्ट्रेस वाली कंडीशन में मिलेगी। अगर पूछा जाए हाइपरथर्मिया में क्या मिलेगा, तो हाइपरथर्मिया के अंदर आपको क्या मिलता है, टेकीपिनिया एंड आपको हार्ट रेट ज्यादा वहां पर मिलेगा, उसके अंदर टेकीकार्डिया वहां पर आपको मिलेगा। अगर पूछा जाए कि जब हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ब्रेडीकार्डिया वाली कंडीशन या साइलेंट किलर वाली कंडीशन आपको देखने को वहां पर मिलेगी। क्लियर है? कितने क्वेश्चन आगे 51
वो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं डिस्कस कर लूंगा, आप देख लीजिए। नहीं है कोई, एक मिनट में देख लेते हैं। ना कुछ कुछ में है, हाँ सब में नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि आपको क्या मिलेगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट आपको वहां पर मिलेगा कोल्ड स्ट्रेस वाली कंडीशन में, आपको माइल्ड हाइपोथर्मिया तो वहां पर हो रहा है, तो आप पूछ रहे हैं आपको क्या मिलेगा, तो आपको वाइटल साइंस में चेंजेस मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको वहां पर, माइल्ड हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया अलग है, माइल्ड हाइपोथर्मिया अलग है, 51। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है वहां पर, डी ऑप्शन आपको करेक्ट करने आना है कि बिकॉज क्या एक्टिविटी की ज्यादा आवश्यकता होता है, तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट आपको वहां पर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन आपको इमेज में दिया गया है, एरो शो मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। आपको हर्ट का इमेज दिया गया है जिसमें फोसा ओवलिस जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर आपको एक डिफेक्ट नजर आ रहा है बिटवीन द बाय द एरोज, एरोज के द्वारा। तो आपको क्या करना है कि पूछा क्या गया है आपसे, एरो शो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, आपका मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो ओस्टियम प्रीमियम, ओस्टियम सेकेंडम, साइनस विनोसस, फोरामन ओवल। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किया गया है, 34 क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको वहां पर आंसर करना है। तो आप आंसर कर सकते हो कि एरो शो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कर रहे हो, बेटर है, अच्छा है। तो देखिए आपका जो मोस्ट कॉमन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है जो कि एरो के द्वारा शो हो रहा है, फोरामेन ओवल लेवल पे वहां आपको मिलेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्टियम सेकेंडम बोलते हैं, क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओस्टियम सेकेंडम। और आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो आपका क्या जाएगा, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट वहां पर आपका आंसर जाएगा, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, दैट इज आंसर आपका क्या जाएगा वहां पर, आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया था, ओस्टियम सेकेंडम, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन द एट्रियम। और अगर फोरामेन ओवल की बात की जाए कि फोरामेन ओवल क्या होता है, तो कनेक्शन बिटवीन द टू एट्रियम होता है, क्लियर। डक्टस विनोसिस की बात किया जाए तो क्या होता है, डक्टस विनोसिस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन किया गया है कि दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। डक्टस विनोसिस की बात किया जाए तो कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंफीरियर वेना केवा होता है, फोरामेन ओवल की बात किया जाए तो बिटवीन द टू एट्रियम। नेक्स्ट देखिए आप, 35 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, मोस्ट कॉमन मेथड टू कैलकुलेट डोज इन्फांट एंड चाइल्ड के अंदर आप क्या करते हो, मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा मेथड होता है डोज कैलकुलेशन का, किसके अंदर, इन्फंट के अंदर एंड चाइल्ड के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है वेट, नेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है हाइट, नेक्स्ट अवेलेबल आपके पास हाइट एंड वेट, नेक्स्ट आपके पास नॉर्मोग्राम। फर्स्ट क्लोजर किसका होता है, देखिए सडन आफ्टर तो आपका है ना पल्मोनरी जो होता है वॉल जो डिफेक्ट है वो आपका सबसे पहले क्लोज होता है, जिसके बाद आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्लोज होता है, विद इन 7 डेज के अंदर एनाटोमिकल क्लोज हो जाता है, और विद इन जस्ट आफ्टर बर्थ के बाद फिजियोलॉजिकल करेक्शन हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट क्लोज नहीं होता है, ट्रीटमेंट की उसमें आपको नीड होती है। तो 35 क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं कि मोस्ट कॉमन मेथड टू कैलकुलेट डोज इन्फेंट एंड चाइल्ड के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, फॉर पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं। संजना शर्मा जी, डी आंसर नॉर्मोग्राम। ओके, हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मोग्राम क्या है, वेट एंड हाइट, हाइट वेट क्या आंसर्स रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको आई थिंक मिल रहा होगा कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट जा रहे हैं और कितने आंसर्स आपके करेक्ट नहीं होने वाले हैं। काफी लोग आंसर्स कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ, और 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आई थिंक बेस्ट वीडियो रहेगा आपके लिए जो आपके काम आएगा, ये आपको याद भी रहेगा कि कुछ क्वेश्चन मिले थे आपको इस प्रकार के जो कि डायरेक्टली एम्स में आ सकते हैं। तो देखिए जो आप आंसर्स कर रहे हैं, देखिए वेट से हम पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन नहीं करते हैं, पहली बात वेट से अपन पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन नहीं करते हैं,
हम नॉर्मोग्राम यूज करते हैं, और नॉर्मोग्राम क्या होता है, बॉडी सरफेस एरिया। एनक्लेक्स में आप देखोगे या कहीं भी बुक में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मोग्राम आंसर्स मिलेगा। और जो पीडियाट्रिक सेटिंग्स के अंदर है तो मोस्ट ऑफ क्या यूज किया जाता है, नॉर्मोग्राम यूज किया जाता है। और नॉर्मोग्राम क्या होता है, बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करके क्या किया जाता है, डोज कैलकुलेशन किया जाता है किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर एंड चाइल्ड के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से अराइज करता हूँ कि किसी को कीमोथेरेपी देनी है, मान लीजिए कोई एडल्ट पर्सन है, कोई चाइल्ड पर्सन है, कोई इन्फेंट पर्सन है, और आपको क्या देना है, कीमोथेरेपी प्रिस्क्राइब करना है। तो कीमोथेरेपी के अंदर डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऑप्शंस आपके पास यही अवेलेबल है, वेट हाइट, वेट एंड हाइट एंड नॉर्मोग्राम। तो आप बता दीजिए कि कीमोथेरेपी के लिए अपन डोज कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हमें डोज कैलकुलेशन करना है फॉर एक कैंसर्स वाले पेशेंट्स के लिए, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो किस प्रकार का मेथड यूज किया जाता है फॉर डोज कैलकुलेशन इन कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स के अंदर, तो आप जो आंसर्स करोगे आप वो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स के लिए करोगे, तो प्लीज आंसर्स करना स्टार्ट कीजिए। आप विशाखा जी वेट एंड हाइट, ओके। अरुराधा जी ने आप आंसर दिया है बॉडी सरफेस एरिया, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा सेम क्वेश्चन किसके लिए यूज होता है, कीमोथेरेपी के लिए। कीमोथेरेपी वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ड्रग्स यूज की जाती है उनको बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, तो कीमोथेरेपी के लिए अपन क्या करें, एडल्ट पेशेंट हो या चाइल्ड पेशेंट हो या इन्फेंट पेशेंट हो, अपन क्या यूज करेंगे वहां पर, बॉडी सरफेस एरिया यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डोज ऑफ द कैंसर ड्रग्स का। क्लियर है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। विच इज नॉट ए गुड मेथड, देखिए विच इज नॉट ए गुड मेथड टू प्रिवेंशन हीट लॉस इन्फेंट एक्सेप्ट। ठीक है, एक आपको यहां पर दिया गया है, आंसर्स भी विजिबल होता है, कोई बात नहीं आपको दिख रहा है, मैनेज नहीं हुआ है पीडीएफ ढंग से, थोड़ा सा आप देख लीजिए, पर विच इज नॉट गुड मेथड टू प्रिवेंशन हीट लॉस इन इन्फेंट एक्सेप्ट, ये कौन सा अच्छा मेथड नहीं है हीट लॉस का इन्फेंट्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है प्लेस द क्रिब नियर द वॉल, के किसी वॉल के पास में क्या रख दिया जाए, आपका बेड रख दिया जाए, बच्चे का बेड रख दिया जाए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बाय यूजिंग मैकेनिकल प्रेशर, कि आप मैकेनिकल प्रेशर यूज कर रहे हो, डूइंग केएमसी। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड रैपिंग, कि उसको अपन क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं। तो देखिए जो आपका आंसर इसके रिगार्डिंग वो क्या जाएगा, अपन मैकेनिकल प्रेशर यूज करके क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर का मैनेज कर सकते हैं। डूइंग कंगारू मदर केयर के द्वारा भी क्या किया जाता है, अपन क्या कहें मतलब बेबी का वेट या उसको हाइपोथर्मिया से बचाया जाता है। ड्राइंग एंड रैपिंग के द्वारा भी क्या किया जाता है, अपन उसको इवापोरेशन से अपन वहां पर बचाते हैं। तो 36 जो आंसर से आपको विजिबल हो पा रहा है, तो देखिए 36 में जो आंसर है कि इज नॉट अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस विंडोज एंड वॉल एंड हीट लॉस मेथड, बिकॉज क्या होता है विंडोज एंड वॉल के पास क्या होता है, रेडिएशन इफेक्ट होता है, और रेडिएशन की वजह से क्या होता है, बेबी का टेम्परेचर वहां पर लॉस होता है। तो ये मेथड अपन यूज नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को, ये मेथड अपन यूज नहीं करेंगे कि प्लेस द क्रीप नियर द वॉल, पास में नहीं रखने देंगे, और रखा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी होगा उसको सेपरेट वहां से किया जाए। नेक्स्ट देखिए आप 37 क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। द बेस्ट प्लेस असेस्ड ऑफ कैपिलरी रिफिल टाइम इन नियोनेट। ठीक है, मान लीजिए एडल्ट पेशेंट नहीं है, एक नियोनेट पेशेंट है, जस्ट डिलीवरी 7 डेज उसको हुए हैं या 28 डेज उसको हुए हैं। अर्ली नियोनेट कब से होता है, बर्थ टू 7 डेज, लेट नियोनेट 7 डेज से 28 डेज की अपन बात कर रहे हैं। अब अपन को क्या करना है, कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करना है, क्या करना है, कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है चेस्ट अबव द स्टर्नम, आप जो स्टर्नम वाला पार्ट है चेस्ट पे वहां पर करेंगे, एब्डोमन पे करेंगे, फिंगर्स पे करेंगे, फीट सोल जो पैर है उसके सोल से अपन वहां पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर कर सकते हो कि अपन कैसे एसेस करेंगे। तो देखिए जो बेस्ट साइट होती है एक नियोनेट्स के अंदर असेसमेंट ऑफ द कैपिलरी रिफिल। ठीक है, कैपिलरी रिफिल का मतलब क्या है कि किसी चीज को पिंच करने के बाद कितनी देर बाद जो ब्लड है रिटर्न या रेडनेस आपको दिखाई देता है। सेम जैसे आप मान लीजिए फिंगर्स जो चाइल्ड है एडल्ट के फिंगर्स के अंदर आप टच कर रहे हो और कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकंड से कम होता है,
विद इन 2 सेकंड्स के अंदर जो आपका फिंगर से वापस क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो यही सेम चीज चेक करना है अपन को किसके अंदर, एक बेबी के अंदर चेक करना है। तो अपन को क्या करना है, चेस्ट अबव द स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर क्या करना है आपको, पिंच करना है। ठीक है, इसको असेस करने के लिए क्या करना है, चेस्ट अबव द स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर क्या करता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिंगर्स यूज करते हैं, सिंगल फिंगर यूज करते हैं और स्टर्नम के ऊपर प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद क्या होता है, विद इन 5 सेकंड, यहाँ टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है बेबी के लिए, विद इन 5 सेकंड्स के अंदर अगर रेडनेस अपेयर आती है, डेट मीन्स कैपिलरी रिफिल टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, कोई भी अबनॉर्मलिटीज नहीं है। तो कैपिलरी रिफिल टाइम अगर चेक करना है तो बेस्ट साइड क्या होता है आपका, स्टर्नम होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अभी इसमें, कि मान लीजिए अपन को इंसुलिन थेरेपी देना है तो बेस्ट प्लेस कौन सा होता है। ये भी क्वेश्चन होता है कि इंसुलिन थेरेपी के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा होता है, तो कौन सी साइट, मान लीजिए ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप बेस्ट प्लेस कौन सा होता है, चेस्ट अबव द स्टर्नम एंड एब्डोमेंस की अगर बात करें तो बेस्ट प्लेस ऑफ द इंसुलिन थेरेपी के बेस्ट साइट कौन सा होता है अपना। आंसर कर सकते हैं कि इंसुलिन थेरेपी के लिए बेस्ट साइट कौन सा होता है। देखिए कंप्लीट एब्डोमेन अगर आप आंसर देते हैं, अगर एब्डोमेन अवेलेबल है ठीक है, मान लीजिए एब्डोमेन को भी डिवाइड कर दिया गया, एम्ब्लाइकस में डिवाइड कर दिया गया है, हाइपोकॉन्ड्रिक लंबर जो एरिया है उनमें डिवाइड कर दिया जाए, फिर आपका आंसर क्या जाएगा, एब्डोमेन आपका आंसर राइट है। पर एब्डोमेन में भी कोई साइट होती होगी ना जहां पर अपन पर्टिकुलर दे, एब्डोमेन में कंप्लीटली कहीं भी थोड़ी लगा सकते हैं इंसुलिन, ये थोड़ी है कि एब्डोमेन में आप कहीं भी इंसुलिन लगा सकते हो। तो देखिए जो पेरी एम्ब्लाइकस एरिया है, एम्ब्लाइकस के चारों ओर जो एरिया है उसमें क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट होता है किसका, आपका एब्डोमेन का इंसुलिन थेरेपी के लिए पेरी एम्ब्लाइकस, एम्ब्लाइकस के अराउंड में जो राउंड बनेगा उसमें आप क्या कर सकते हो, इंसुलिन थेरेपी दे सकते हो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, 38 नंबर का क्वेश्चन, कि ए चाइल्ड विद डिहाइड्रेशन, एक चाइल्ड किसके साथ है, डिहाइड्रेशन के साथ है, विच इज बेस्ट साइट टू असेस द स्किन। डिहाइड्रेशन के लिए आपको स्किन को असेसमेंट करना है, स्किन टर्गर को असेसमेंट करना है, तो स्किन टर्गर को असेसमेंट करने के लिए आपके लिए बेस्ट साइट क्या होगा, तो फर्स्ट आपके पास है चेस्ट, नेक्स्ट आपके पास एब्डोमन, नेक्स्ट आपके पास फेस, नेक्स्ट आपके पास हैंड्स। तो आपके पास कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर आप क्या करोगे, असेस करोगे डिहाइड्रेशन कंडीशन, या स्किन टर्गर आप क्या करोगे वहां पर असेस करोगे, चाइल्ड के अंदर आपसे पूछा गया है, एक चाइल्ड है उसके अंदर आपको क्या करना है, स्किन टर्गर असेस करना है। पूजा यादव जी ने चेस्ट आंसर दिया है, ठीक है, सुचित्रा जी बी ऑप्शन, ओके। तो आपको क्या करना है, स्किन टर्गर असेसमेंट करना है पहली बात। तो देखिए जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशंस होती है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशंस में क्या होता है, जो आपका एब्डोमेन है, एब्डोमेन पे अपन क्या करते हैं, स्किन टर्गर चेक करते हैं। पहली बात क्या करते हैं, स्किन टर्गर चेक करते हैं। स्किन टर्गर में क्या होता है, जो स्किन है वो लूज स्किन आपको वहां पर मिलेगा अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है, वेल नरिश्ड या वेल बैलेंस जो फ्लूड लेवल नहीं होने पर क्या मिलता है वहां पर, स्किन थोड़ा लूज मिलेगा। तो आपके लिए जो बेस्ट साइड होगी चाइल्ड के अंदर वो क्या होगा, एब्डोमेन, ऑलवेज एब्डोमेन पे आप डिहाइड्रेशन का असेसमेंट करते हो। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट टू चेक स्किन टर्गर इन एब्डोमेन पिंच टेस्ट, इसको अपन पिंच टेस्ट भी बोलते हैं, स्किन को पिंच करते हैं और कितनी देर में वापस रिलैक्स होती है, अपनी पोजीशन में आ जाती है, तो इसको पिंच टेस्ट भी अपन बोलते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन के रिगार्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट एक और चीज, अगर इन्फांट की बात की जाए तो इन्फांट में डिहाइड्रेशन कंडीशन में आपको क्या मिलता है, डिप्रेस फॉन्टानल्स, क्या मिलते हैं आपको, डिप्रेस फॉन्टानल्स आपको वहां पर मिलेंगे अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, ए नर्स मस्ट मीट द हाइड्रेशन नीड ऑफ प्रीटर्म इन्फांट, व्हाट इज कंसिडर्ड द प्रीटर्म इन्फांट किडनी फंक्शंस। ठीक है, एक नर्स है वो क्या कर रही है, हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना है उसको प्रीटर्म बेबीज के अंदर, बिकॉज प्रीटर्म बेबीज के अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेशन कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो व्हाट इज कंसिडर्ड, क्या ध्यान में रखना है प्रीटर्म इन्फांट किडनी फंक्शंस के बारे में। ठीक है, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किडनी फंक्शंस के रिगार्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन कंडीशन कब डेवलप हो सकती है, चांसेस कब ज्यादा अवेलेबल है, छोटी हो गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो 40 नंबर की क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको आंसर यहाँ पर करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बी ऑप्शन में, सी है एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन है, नेक्स्ट डी है सेम एज मेच्योर बेबी, कि जैसे मेच्योर बेबी के अंदर होता है सेम वेज
वैसे ही परफॉर्म कर रही है किडनी फंक्शन। तो देखिए आपका आंसर 40 क्वेश्चंस के लिए, नर्स मस्ट मीट द हाइड्रेशन नीड ऑफ ए प्रीटर्म इन्फेंट, व्हाट कंसिडर्ड द प्रीटर्म इन्फेंट किडनी फंक्शंस। बोलो, हम 2 सेकंड होल्ड कर रहे हैं क्लासेस को, मतलब आप कंटिन्यू रहे बस 2 सेकंड, बिकॉज आपके और क्वेश्चंस ऐड किए जा रहे हैं और यहाँ पर, ठीक है। जब तक आप आंसर कर सकते हैं 40 क्वेश्चंस के लिए, तो देखिए जो अपन बात कर रहे थे क्लास में कि आपको किडनी फंक्शंस के बारे में क्या है, तो किडनी फंक्शंस देखिए आप कि जो इमेच्योर बेबी होते हैं, जो जस्ट आफ्टर जो बेबी डिलीवर होता है, उसका किडनी क्या होता है, कम्प्लीटली मेच्योर नहीं होता है, और कम्प्लीटली मेच्योर नहीं होने के वजह से क्या फॉर्मेशन करता है, डायल्यूटेड यूरिन या लार्ज अमाउंट में क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से आ जाएगा। अभी एक मिनट रुकिए, कर रहे हैं इमेज, जा चुका है। वेट कीजिए प्लीज, लिख दिया मैंने, वेट 2 मिनट्स। हो गया, मैं विजिबल नहीं हुआ, मैं आ गई है, बोलिए आप आवाज दे रही है, इसको पढ़ देता हूँ ना कल, ठीक है। सभी का वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ना, 40 मैं कर दूंगा। फोर्टी, ठीक है, 40 तो हो गया था। हाँ एक मिनट डिस्कस करना है इस, ठीक, ओके, आई थिंक विजिबल हो रहा है ना वीडियो वगैरह अपन को, ठीक है। तो देखिए अपन डिस्कस कर रहे थे 40 नंबर के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं उसको। तो देखिए आपका जो क्वेश्चंस विजिबल होता है 40 नंबर का, उसमें लिखा है नर्स मस्ट मीट द हाइड्रेशन नीड ऑफ ए प्रीटर्म इन्फेंट्स, तो व्हाट इज कंसिडर प्रीटर्म इन्फेंट किडनी फंक्शन। देखिए जो किडनी फंक्शंस होते हैं प्रीटर्म इन्फेंट्स, उसमें क्या होता है, इमेच्योरेशन होता है, किडनी कंप्लीटली मेच्योर नहीं होती है, और मेच्योर नहीं होने की वजह से क्या फॉर्मेशन करती है, डायलूटेड यूरिन फोर्स करती है, लार्ज अमाउंट में यूरिन फॉर्मेशन करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड वेट होता है एट बर्थ, उसका 10 डेज के अंदर 10% वेट लॉस होता है। देन किडनी फंक्शंस क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, जिससे कि वाटर अमाउंट का लॉस कम होता है, और फिर क्या हो पाता है, फिर हो पाता है कि जो
वेट लॉस हुआ है वो नेक्स्ट 10 डेज में क्या कर लेता है, बेबी गेन कर लेता है। तो क्वेश्चन के लिए अपना जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा अपने पास, ड्यू टू इमेच्योर किडनी फॉर फॉर्मेशन डायलूटेड यूरिन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन जो अपने 41 जो क्वेश्चन है, पोजिशन फॉर ए चाइल्ड विद क्लेफ्ट लिप सर्जरी रिटर्न टू द पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड। कि एक चाइल्ड है वो क्या हुआ है, क्लेफ्ट लिप का सर्जरी करा के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में वापस आया है। अब आपको क्या वहां पर पोजिशन उसको प्रोवाइड करना है, ऑप्शन वन है प्रोन पोजिशन, नेक्स्ट है सुपाइन पोजिशन, नेक्स्ट है लेफ्ट लेटरल या अपराइट पोजिशन आप उसको दोगे। तो किस प्रकार की पोजिशन क्लेफ्ट लिप सर्जरी में आप पेशेंट को वहां पर दोगे, तो इसके लिए आपको आंसर वहां पर करना है कि किस प्रकार का पोजिशन आप दोगे पेशेंट के लिए आफ्टर क्लेफ्ट लिप सर्जरी। ऑप्शन सी लेफ्ट लेटरल ऑप्शन जा रहा है सोनू नायक दिनेश जी, ठीक है। और कोई ऑप्शन आप कमेंट कर सकते हैं जो भी लाइव है कि कौन सा ऑप्शन आपका वहां पर रहेगा, सुपाइन, ओके नेक्स्ट। तो देखिए क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट सर्जरी दो तरह की सर्जरी की जाती है, जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर है रिलेटेड टू फॉर्मेशन, जो टाइम एट द बर्थ क्या होता है कुछ डिफेक्ट होते हैं, रूबेला की वजह से भी क्लेफ्ट लिप्ट हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से टॉर्च इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमन कॉज करता है क्लेफ्ट लिप्ट। तो देखिए जो आपका आंसर है वो आपके आंसर है आपके लिए कि प्रोन पोजिशन अपन देंगे, किसको देंगे, क्लेफ्ट लिप्ट सर्जरी जब किसी का हुआ है तो आप क्या दोगे वहां पे, प्रोन पोजिशन उसको दोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड फीडिंग आप क्या कर रहे हो, क्लेफ्ट लिप्ट वाले बेबी को क्या कर रहे हो, फीडिंग करा रहे हो, ठीक है, फीडिंग करा रहे हो क्लेफ्ट लिप्ट वाले बेबी को, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपका आंसर जाएगा अपराइट पोजिशन, ठीक है, बिल्कुल सुचित्रा जी। जब अपन क्या करेंगे उसको, अपन क्या करेंगे फीडिंग करा रहे हैं तो आपको क्या करना है वहां पर अपराइट पोजिशन देना है। एक और चीज आप यहाँ पर याद रखिए, ऑप्शन में अगर आता है आपको डिस्कस कर लेते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट वाला जो बच्चा है उसके लिए अपन क्या देते हैं पोजिशन, प्रोन पोजिशन उसके लिए अपन वहां पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, अगर आप बात करते हो कि सुपाइन पोजिशन देंगे अपन किसके लिए, क्लेफ्ट लिप्ट वाले बच्चे के लिए अपन सुपाइन पोजिशन देंगे, क्लेफ्ट पैलेट वाला बच्चा है प्रोन पोजिशन देंगे, क्लेफ्ट लिप्ट वाले बच्चे को हम फीडिंग करा रहे हैं तो अपराइट पोजिशन देंगे। ये क्लियर है आप सभी का, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर जो अपन कर लेंगे करेक्ट बाय द वॉइस। हाँ तो ये आपका आंसर मैं कह रहा हूँ, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है पीडीएफ में, बट अगर आपका आंसर आता है क्लेफ्ट लिप्ट से रिलेटेड तो आपका सुपाइन ऑप्शन राइट है, अगर क्लेफ्ट लिप्ट के साथ आपका फिटिंग वहां पर जोड़ दिया जाता है तो आपका अपराइट पोजिशन राइट होगा, अगर आपको क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पूछा जाता है तो आपका प्रोन पोजिशन आपका राइट होगा। एक और चीज, क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों को किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या किस प्रकार के आर्टिकल्स के द्वारा अपन क्या करते हैं फिटिंग कराते हैं, ऑप्शन में आपको मिलेगा कफ, ठीक है, आपको मिलेगा स्पून, आपको मिलेगा रबर स्पून, ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा या ऑल ऑफ अबो, तो आपका क्या आंसर जाएगा कि क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चों को किस प्रकार से क्या किया जाता है फीडिंग कराया जाता है। मान लीजिए आपको दे दिया कप फीडिंग दे दिया गया है, स्पून फीडिंग, कटोरी स्पून फीडिंग दिया गया है, रबर स्पून फीडिंग दिया गया है, ठीक है, बोतल फीडिंग दिया गया है, तो कौन सा फीडिंग मेथड बेस्ट होता है एक क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट को, और एनजी फीडिंग भी उसमें दिया गया है, मान लीजिए ऑप्शन में एनजी फीडिंग भी है, तो आपका ऑप्शन क्या राइट जाएगा। ऑप्शन से आपके मान लीजिए क्वेश्चन है जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे को बेस्ट फीडिंग मेथड कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन है एनजी ट्यूब, नेक्स्ट है रबर स्पून, नेक्स्ट है कटोरी एंड चम्मच, जो ऑप्शन है बॉल एंड स्पून मेथड, या फिर आपको मान लीजिए उसमें एक और आपको दिया गया है कप मेथड, तो आपका कौन सा मेथड आपका राइट जाएगा, एनजी ट्यूब भी उसमें आपका मेंशन है। तो पेलेडा फीडिंग भी होती है, बिल्कुल सुचित्रा जी, पेलेडा फीडिंग या पेलेडा बोतल्स भी अवेलेबल होती है जो कि फीडिंग के लिए यूज की जाती है, बट आपके पास पेलेडा फीडिंग्स ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप क्या ऑप्शंस वहां पर करेक्ट करोगे, ठीक है, तो क्या ऑप्शन आप वहां पर क्लिक करोगे। डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर, अगर आया है तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या होता है, जो क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे होते हैं उसमें सूचरिंग की गई है, अपने सूचर्स इंसर्ट किए हैं कहाँ पे, क्लेफ्ट पैलेट में, उसको फ्यूज किया गया है, फ्यूज करने के बाद सर्जरी के बाद आने के बाद उसको अपन एनजी इंसर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एनजी इंसर्ट करने से मे बी चांस है कि बेबी के अंदर क्या हो सकता है, ब्लीडिंग कंडीशन हो सकती है, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं करना है जिसकी वजह से क्या हो, सूचर्स पे प्रेशर पड़े और ब्लीडिंग वहां से हो, तो कटोरी स्पून अपन यूज नहीं करेंगे
सॉरी ठीक है, अपन क्या करेंगे रबर स्पून वहां पर यूज करेंगे फॉर द फीडिंग ऑफ द बेबी के लिए, ठीक है। उसके अपन क्या करेंगे रबर स्पून, आप याद रखिए वाइल जब फीडिंग कर रहे हैं अप राइट पोजिशन में, तो आपको क्या यूज करना है रबर स्पून वहां पर आपको यूज करना है फॉर फीडिंग के लिए, या पेलिडा बॉटल्स आपको यहाँ पर यूज करना है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 42 नंबर, मैकबर्नी पॉइंट पेन हेल्प टू डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है। मैकबर्नी जो पॉइंट है हेल्प करता है डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस में, तो पेन कहां पर हो रहा है, पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, पेन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, पेन इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। तो आपके पास ऑप्शन है 42 नंबर्स के लिए कि मैकबर्नी पॉइंट होता कहां है, जहां पर अपेंडिक्स का पेन आपको मिलता है, कि अपेंडिक्स का पेन जो होता है वो आपका रीजन कौन सा है। 42 नंबर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो कि मैकबर्नी पॉइंट होता कहां है। तो देखिए जो मैकबर्नी पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि कहां पर होता है, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन होता है अपन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वहां पर नहीं रखते हैं तो अपना गलत हो सकता है आंसर। तो देखिए राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, मैकबर्नी पॉइंट होता है, जो कि अपेंडिसाइटिस वहां पर पाया जाता है, तो उसका पेन वहां पर होता है, जो कि एलियक स्पाइन और अम्बिलिकल कॉर्ड से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद मिड पॉइंट को क्या मान लिया जाता है, मैकबर्नी पॉइंट वहां पर अपन मान ले सकते हैं, एमसी बर्नी पॉइंट उसको अपन मान लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आज डिले नहीं करेंगे, कल क्लास में बोला गया है कि आप डिले बहुत करते हो, तो आज डिले नहीं करेंगे, तो आप 43 क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास भी सर को लेना है, पहले डिले कर चुके हम। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूँ साथ में दूसरे लैपी के अंदर, तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है। अनुराधा जी एक बार आप क्या कर लीजिए, उसको रिफ्रेश कर लीजिए, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप कि विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट फाउंड इन केस ऑफ टोडलर्स, कि कौन सा मोस्ट कॉमन ऐसा एक्सीडेंट कंडीशन है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन है जो कि टोडलर्स के अंदर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है चोकिंग, नेक्स्ट है ड्रॉविंग, नेक्स्ट है बर्न्स, नेक्स्ट है टॉक्सिक इंजेशंस, ठीक है, टॉक्सिक इंजेशंस। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो कि टोडलर्स के अंदर इमरजेंसी एक्सीडेंटल कंडीशंस कोज करता है। ऑप्शन है चोकिंग, ड्रॉविंग, बर्न्स एंड टॉक्सिक इंजेशंस। तो देखिए जो आपका बर्न है, तो बर्न कंडीशन मोस्ट ऑफ दिखाई देता है आपको किसके अंदर, टोडलर्स के अंदर बर्न कंडीशन, बर्न वाले केसेस ज्यादा मिलते हैं आपको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साइन, एक आपको इमेज शो हो रहा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साइन आपको देखना है, जिसमें एक बेबी दिया गया है, उसके आर्म को पुल किया जाता है अदर साइड में, ठीक है, आर्म को पुल कर रहे हैं अदर साइड में, तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साइन आपको यहाँ पर उसको करना है, जिसमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, स्कार्फ साइन, मर्फी साइन, कूलिंग साइन, एलिस साइन। तो कौन सा आंसर आपका इस इमेज के रिगार्डिंग यहाँ पर रहेगा, ए ऑप्शन में स्कार्फ साइन, बी में मर्फी साइन, सी में कूलिंग साइन, नेक्स्ट एलिस साइन। तो कौन सा साइन आपका इसके लिए रहेगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज के अंदर। 44 नंबर का क्वेश्चन अपन देख रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द साइन, फर्स्ट स्कार्फ साइन, मर्फी साइन, कूलिंग साइन, एलिस साइन। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास आंसर्स अवेलेबल है, काफी लोग बी आंसर दे रहे हैं, मर्फी साइन, पता नहीं क्यों दे रहे हैं मर्फी साइन, ठीक है। तो आप देखिए जो आपके पास साइन दिखाई दे रहा है, डेट इज स्कार्फ साइन, ठीक है, क्या साइन है, स्कार्फ साइन है, जो कि प्रीमेच्योर बेबी के अंदर होता है। इसमें क्या करता है, जो आप आर्म्स है, नॉर्मली जो आपका हैंड्स होता है बेबी का, वो टच नहीं कर पाता है दो अदर शोल्डर्स के अंदर, तो इसका जो वन साइड शोल्डर है वो अदर साइड शोल्डर को टच कर पाता है, डेट इज स्कार्फ साइन। और किसमें मिलेगा ये, न्यूबॉर्न असिस्मेंट फाइंडिंग इन विच द इन्फांट एल्बो क्रॉस, इन्फांट एल्बो क्रॉस कर जाता है द बॉडी मिड लाइन, ठीक है, एल्बो देखना है आपको, ठीक है, क्या देखना है, बेबी का एल्बो देखना है कि वो मिड लाइन को क्रॉस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो देखिए मिड लाइन क्रॉस कर जाता है, और असिस्टेंट टू एग्जामिन ड्रो एंड आर्म क्रॉस द चेस्ट टू अपोजिट शोल्डर, और किसको टच करता है, अपोजिट शोल्डर को टच कर पाता है, दिस इज
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट्स बोर्न बिफोर 30 वीक्स गेस्टेशन, 30 वीक्स से पहले जो बेबी डिलीवर्स होते हैं या प्रीटर्म्स जो बेबी होते हैं उनके अंदर अब क्या मिलता है अपन को, ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर है सभी को? तो ए आंसर आपका, इमेज देख लीजिए, आ सकता है इसका आप साइन, तो मोस्ट कॉमन आपका आंसर यहाँ पर ए रहेगा, प्री मेच्योर बेबी के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए विच फोंटानल्स, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, विच फोंटानल्स लास्ट क्लोज, कौन सा फोंटानल्स इनमें से लास्ट में क्लोज होता है। देखिए फोंटानल्स से पहले जो रिलेटेड क्वेश्चन आते थे सीधे पूछ लिया जाता है, एंटीरियर कब क्लोज होता है, पोस्टीरियर कब क्लोज होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच इज फोंटानल लास्ट क्लोज, कौन सा फोंटानल लास्ट में क्लोज होगा, तो आपके पास ऑप्शन ए अवेलेबल है एंटीरियर फोंटानल्स, बी ऑप्शन अवेलेबल पोस्टीरियर फोंटानल्स, सी अवेलेबल मास्टोइड फोंटानल्स, डी टेम्पोरल फोंटानल्स। तो कौन सा फोंटानल्स जो है वो लास्ट में क्लोज होता है। तो देखिए मोस्ट ऑफ जो फोंटानल्स होते हैं वो अर्ली एज में क्लोज हो जाते हैं, जो आपका एंटीरियर फोंटानल्स है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है, ठीक है 1.5 ईयर बोल सकते हैं, या 1 and 1.5 ईयर्स के अंदर क्या हो जाता है एंटीरियर फोंटानल क्लोज हो जाता है। अगर पोस्टीरियर की बात करें वो 1.5 मंथ्स के अंदर क्लोज हो जाता है। अदर जो फोंटानल्स आपको दिख रहे हैं मास्टर एंड टेम्पोरल विद इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है एंटीरियर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो डायरेक्टली हमने इमेज इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है व्हेन द नॉर्मल यूज ऑफ पीआईसीसी विद लोगों के साथ, ठीक है तो व्हेन वी नॉर्मल यूज ऑफ पीआईसीसी फॉर एडल्ट लाइन देन प्लसिंग एवरी। देखिए पीआईसीसी से रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है वो क्या पूछा गया था कि कितने ml का सिरिंज हम यूज करते हैं फ्लशिंग के लिए, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कितने टाइम में हम फ्लशिंग करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं आपको। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है ए 2 आवर्स, नेक्स्ट है बी 8 आवर्स, नेक्स्ट सी है 12 आवर्स, नेक्स्ट डी है 24 आवर्स। तो आप एक जो कैथेटर है सेंट्रल लाइन से है उसको आप कब क्या करते हो क्लीन करते हो, कितने टाइम में आपको क्लीन करना है, नेसेसरी है कितने टाइम में आपको क्लीन करना है। आशीष मीणा जी ऐसे नहीं बोलिए कि इतना है क्या सर जी, बस आप अपना आंसर ड्रॉप कीजिए और फिर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में आने का चांसेस है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकली लेवल पे जो क्वेश्चन किए जाते हैं उन पे ज्यादा फोकस हमें करना है यहाँ पे। तो देखिए पीआईसीसी जो लाइन होता है उसको एवरी 12 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स के अंदर 2 टाइम अपन को क्या करना है क्लीन करना है। पहली बात तो पीआईसीसी जो लाइन है उसको एवरी 12 आवर्स एडल्ट, पहले देखिए आप एक और चीज देखिए इसमें एडल्ट भी मेंशन किया हुआ है, तो एडल्ट्स के अंदर क्या करते हैं 12 आवर्स या फिर क्या करते हैं 24 आवर्स में 2 टाइम्स अपन को क्या करना है क्लीन करता है। अब एक और चीज, अगर बेबी का वेट 8 kg से कम है, जो बेबी है बेबी का वेट क्या है 8 kg से कम है, तो 8 आवर्स के अंदर अपन क्या करते हैं पीआईसीसी लाइन को फ्लश करते हैं। ये भी याद रखिए अगर बेबी का वेट कितना है 8 kg से कम है तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे क्लीन करेंगे किसको पीआईसीसी लाइन को 8 आवर्स के अंदर, ठीक है। मोर केयर की आवश्यकता है वहां पर, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है तो फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग प्रोसेस अपन वहां पर स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए कौन सी सिरिंज यूज करते हैं 10 cc का सिरिंज यूज करते हैं। अब 10 cc का सिरिंज क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है डैमेज होने से बचाता है पीआईसीसी लाइन को, प्रेशर जो अपन एग्जर्ट कर रहे हैं वो प्रेशर 2 cc से ज्यादा होता है और 10 cc से प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो आपके पास है, आइडेंटिफाई द इमेज डेवलपमेंट माइलस्टोन एज। इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए इंसर्ट किया गया था बिकॉज जो मोस्ट ऑफ आंसर थे इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग वो आंसर्स गलत थे, इसलिए हमने इस इमेज को यहाँ पर लिया है कि आइडेंटिफाई द इमेज डेवलपमेंट माइलस्टोन एज 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। पीआईसीसी की फुल फॉर्म बताओ सर। वही तो कह रहा हूँ, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन है ना, कहते सेंट्रल लाइन एक कहते होता है, ठीक है। ये आप देखिए इनको, आप बेसिक चीजें इनको आप इग्नोर मत कीजिए, पीआईसीसी सीवीसी सेंट्रल वीनस कहते थे, इनको आपको याद रखना है। अगर ये चीजें अपन को अगर मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन अपन आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
बेसिक चीजें हमें याद रखना है। तो देखिए आपके पास डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई द इमेज डेवलपमेंट माइलस्टोन एज 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। किस एज ग्रुप में ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्टार्ट होता है या बेबी परफॉर्म कर पाता है। पहली बात तो जो माइलस्टोन है कौन सा है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है। दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर में क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज एंड हेड्स, ठीक है, मेजर जो पार्ट है बॉडी का उनका यूज करता है बेबी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल को शो करने के लिए। फाइन मोटर की बात की जाए तो फाइन मोटर के अंदर इंडेक्स फिंगर हो गया, ठीक है, तो जैसे कि थंब इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, और हैंड्स है, तो उन मूवमेंट्स को अपन फाइन मोटर मूवमेंट्स के अंदर काउंट करते हैं। तो इसके लिए जो आपका आंसर है वो 12 मंथ्स, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स। तो देखिए जो बेबी आपको दिख रहा है इमेज के अंदर वो बेबी कर क्या रहा है, ठीक है, दो तरह की चीजें होती है इसके अंदर, एक तो क्लम्बिंग ऑफ स्टीयर एंड क्रीपिंग ऑफ अपस्टियर्स। तो बेबी जो कर रहा है इमेज के अंदर क्रीपिंग ऑफ अपस्टियर्स कर रहा है, मतलब एब्डोमन एंड शोल्डर्स के थ्रू क्या कर रहा है, जो स्टेयर से उनको चढ़ रहा है। तो इसके लिए जो आपका आंसर जाएगा वो होगा बिल्कुल एग्जैक्ट 15 मंथ्स, ठीक है, क्या आंसर रहेगा आपका इसके लिए, 15 मंथ्स आंसर रहेगा। अगर पूछा जाए क्लम्बिंग ऑफ अपस्टियर, क्लम्बिंग के बारे में डिस्कस किया जाए और बच्चा क्या जाए फिट के थ्रू आपको वहां पर इमेज में शो हो कि बच्चा क्लम्बिंग कर रहा है स्टेयर्स को, तो उसके लिए जो आपका आंसर जाएगा 24 मंथ्स जाएगा। तो अगर इस आंसर को गलत नहीं करके आना है, आपको बेबी के डेवलपमेंटल माइलस्टोन पे फोकस करना है, स्टेयर्स पे फोकस नहीं करना है कि स्टेयर्स है, स्टेयर्स का कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ। हमें क्या करना है, बेबी का जो एक्टिविटीज है उसको क्या करना है, अपन को असेस करना है। तो आपके लिए 15 मंथ्स राइट आंसर है क्रीपिंग ऑफ अपस्टियर, ठीक है, क्रीपिंग ऑफ अपस्टियर के लिए आपके लिए कितना आंसर राइट है, 15 मंथ्स आंसर राइट है। अगर पूछा जाए क्लम्बिंग ऑफ अपस्टियर तो उसके लिए 24 मंथ्स राइट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट देखिए आप, फिर से आपके पास एक एक्सरे अवेलेबल है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सरे, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको फॉलोइंग एक्सरे को, जिसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, पाइलोरिक स्टेनोसिस, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एंड इनटू ससेप्शन वाली कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस एक्सरे को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके पास अवेलेबल है। ये एक्सरे आपको दिख रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लिनिकल डायग्नोसिस करना है प्रॉब्लम का। तो देखिए सिंपल सी बात है कि बूट शेप हर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंप्लीटली बूट शेप हर्ट दिखाई दे रहा है, और अपन का इसके लिए क्या जाता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है, क्या जाता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट वाली कंडीशंस के अंदर अपना आंसर राइट आंसर जाता है, और पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट देखिए आप, फिर पीआईसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, व्हेन वी गोइंग फॉर फ्लशिंग द फॉलोइंग फोटोग्राफ लाइन व्हाट शुड बी डू फर्स्ट। अपन क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि पीआईसीसी लाइन डबल ल्यूमन, पहले बात तो डबल ल्यूमन पीआईसीसी है, डबल ल्यूमन पीआईसीसी का यूज क्या है, मान लीजिए अपन जो बेबी है, जो एडल्ट है, उसको अपन को क्या करना है, डबल ल्यूमन पीआईसीसी इसलिए यूज करते हैं जैसे टीपीएन थेरेपी चल रही है, ठीक है, तो टीपीएन थेरेपी में क्या करते हैं, जो पोर्ट यूज करते हैं उसको मेडिकेशन के लिए अपन यूज नहीं करना है, बिकॉज इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, कंटिन्यूअस लाइन चलाना है, तो अपन को क्या करना है, जो पोर्ट मेडिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं वो टीपीएन के लिए यूज नहीं करना, और जो टीपीएन के लिए यूज कर रहे हैं वो मेडिकेशन के लिए यूज नहीं करना। तो फर्स्ट बात तो ये हुई कि डबल ल्यूमन पीआईसीसी और यूज क्यों कर रहे हैं इसको, टीपीएन थेरेपी या अदर जो भी इंपॉर्टेंट थेरेपी जो कंटिन्यूअस चलना है उसके लिए अपन यूज करते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आंसर आपके पास अवेलेबल है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पीआईसीसी आपको क्लीन करना है या फ्लशिंग करना है, तो आप करोगे क्या, तो देखिए क्लीन पोर्ट विद एल्कोहल स्वैब, एल्कोहल स्वैब के साथ आपको क्या करना है, जो पोर्ट्स है बाहर, जो आपको ब्लू कलर में जो पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट है फ्लशिंग विद एनएस, एनएस के साथ फ्लश करना है। नेक्स्ट है फ्लशिंग विद हेपेरिन, हेपेरिन के साथ फ्लश करना है। नेक्स्ट है क्लीनिंग विद पोवेडिन या आयोडीन सॉल्यूशन के साथ आपको क्लीन करना है। तो कौन सा सबसे पहले एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जब आप जा रहे हो पीआईसीसी को क्लीन करने के लिए, फ्लशिंग विद एनएस, फ्लशिंग विद हेपेरिन, क्लीनिंग विद पोविडिन एंड क्लीनिंग विद द अल्कोहल स्वैब 49A। सुचित्रा जी का आंसर ए है, अनुराधा जी का आंसर ए, बाकी और आंसर दिए गए हैं सी बी, ठीक है, और भी आंसर कर सकते हो जो लाइव है, लाइव आंसर्स आप कर सकते हो, बिकॉज कंसेप्ट ऐसा है कि आपका क्लियर होना ही चाहिए। पीआईसीसी रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन है, सेंट्रल वेनस कैंसर और दोनों में सेम थिंग परफॉर्म होती है, ये नहीं कि पीआईसीसी में परफॉर्म हो रहा है तो सेंट्रल वेनस कैंसर में प्रोसेस अलग परफॉर्म होगा,
पहली बात दोनों का क्लीनिंग प्रोसेस आपको सेम मिलेगा, कुछ डिफरेंस मिल सकते हैं रिगार्डिंग दिस। आशीष जी को सी लग रहा है, ओके। तो देखिए अब मैं प्रोसेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या प्रोसेस है पीआईसीसी क्लीन करने को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब पीआईसीसी है तो पीआईसीसी लाइन को सबसे पहले आपको जो ब्लू पोर्ट दिख रहा है इसको आपको रिमूव करना है। ब्लू पोर्ट रिमूव करने के बाद जो कैथेटर का टिप है, कैथेटर को टिप को अल्कोहल स्वैब या क्लोर हेक्सिडिन, क्या यूज कर सकते हैं अपन, अल्कोहल स्वैब या क्लोर हेक्सिडिन से 15 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 15 सेकंड तक सबसे पहले आपको क्लीन करना है पीआईसीसी को। क्यों? बिकॉज जो पोर्ट वाला एरिया है, टर्मिनेट एरिया है, मतलब जो टर्मिनल एरिया है उस पर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले आंसर तो इसका गया ए। 49 क्वेश्चन के लिए आंसर आपका क्या होगा, ए, क्लीन पोर्ट विद अल्कोहल स्वैब। तो वो कितना टाइम पूछा जाए, तो टाइम कितना होता है, कम से कम मिनिमम 15 सेकंड। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा यूज कर सकते हैं, क्लोर हेक्सिडिन यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, आपने क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद अगर क्लैंप ओपन है तो क्लैंप को सबसे पहले क्या करना है, क्लीन करना है। अभी डिस्कस कर रहे हैं संजना जी कैसे अपन फ्लश करते हैं, ठीक है फ्लश करते हैं, पर अपन पूछा था मैंने क्वेश्चन में, आप देखिए क्या पूछा है, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोर्ट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अल्कोहल स्वैब से 15 सेकंड के लिए उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्लैंप, जो उसका क्लैंप दिख रहा है आपको पर्पल कलर का, क्लैंप करेंगे। क्लैंप करने के बाद आपको क्या करना है, फ्लशिंग विद एनएच, 10 ml का सिरिंज लेना है। 10 ml का सिरिंज लेने के बाद 10 ml के सिरिंज से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट आपको अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, फ्लशिंग विद एनएस, एनएस 10 ml एनएस लेना है, फिर उससे क्या करना है आपको उसको फ्लश करना है, ठीक है। अगर प्रायोरिटी पूछा है उसके बाद क्या करना है, तो फ्लश विद 10 ml सिरिंज एनएस लेके उससे फ्लश करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्लैंप को जब अपने फ्लश कर दिया एनएस से, एनएस करने के बाद क्लैंप को वापस क्लैंप करना है, फिर एनएस से होगा, बिल्कुल सोनू जी, फिर क्या होगा, फिर एनएस से होगा। तो फिर आपने एनएस से फ्लश कर दिया है, एनएस से प्लस करने के बाद आपको ब्लू कलर पर्पल कलर का जो क्लैंप दिख रहा है, क्लैंप को वापस क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको फिर क्या करना है, जो आपने सिरिंज वहां पर लगा रखा है उसको हटाना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, हिपेरिन वाला जो सिरिंज है जिसमें आपने हिपेरिन ले रखा है उसको वापस आपको क्या करना है, पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्लैंप वापस रिमूव करना है और फिर आपको पीआईसीसी को हिपेरिन से क्लीन करना है। पर देख लीजिए, रूटीनली अपन हिपेरिन से क्लीन बार बार नहीं करते हैं, ठीक है। जब अपन करना है केवल 24 आवर्स में केवल 2 टाइम अपन क्या कर सकते हैं, हिपेरिन से क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज चांस होते हैं ओकल्सन होने के एंड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, पर ओकल्सन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हिपेरिन से क्लीन करने के बाद। क्लियर है सभी का पीआईसीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए आप, व्हेन प्लान टू फ्लश, फ्लशिंग पीआईसीसी लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीनिंग द पॉट विद अल्कोहल से सबसे क्लीन करना है। नेक्स्ट देन यूज 10 ml सिरिंज टू फ्लश द पीआईसीसी, 10 ml सिरिंज यूज करना है। फ्लशिंग यूज एनएस एंड हिपेरिन, अपन को क्या यूज करना है, एनएस एंड हिपेरिन अपना यूज करना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप, आपके पास एक और क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन जो आप अराइज किया हुआ है, रीस्ट्रेन शुड बी रिमूव्ड इन एवरी हाउ मेनी आवर्स, जो रीस्ट्रेन दिख रहा है आपको बेबी के हैंड्स के अंदर उसको कितने आवर्स के अंदर, देखिए डाउन स्टेयर जो अप स्टेयर है 2 and 2.5 years में, 4 years में कोई आपका वहां पर ऑप्शन नहीं होगा, 2 and 2.5 years में आपका क्या करते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्टार्ट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, रिस्ट्रेन शुड बी रिमूव्ड इन एवरी हाउ मेनी आवर्स, 4 hours, 2 hours, 6 hours, 8 hours, इसके लिए आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, कि रिस्ट्रेन कब रिमूव कर दिए जाते हैं, कितने टाइम के लिए रिमूव कर दिया जाता है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे मोस्ट करेक्ट है कि 2 वाला होता ना, डिस्कस कर लें, ठीक है वो मैंने डिस्कस कर लिया, हाँ हो गया, ठीक है। देखिए रीस्ट्रेन शुड बी रिमूव्ड वो डिस्कस कर चुके हैं, अपराइट लिखा हुआ था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट थिंग है कि रीस्ट्रेन कब रिमूव करते हैं, 2 hours के अंदर हमें क्या करना है, रीस्ट्रेन को रिमूव करना है ताकि थोड़ा सा क्या मिले, वो साइट है वो प्रिवेंट हो डैमेज होने से। तो रीस्ट्रेन को अपन को क्या, और जो इमेज में आपको दिख रहा है वो क्या है, एल्बो रीस्ट्रेन, जो बेबी के हैंड्स में आपको दिख रहा है एल्बो रीस्ट्रेन। अब अपन बात करें कि एल्बो रीस्ट्रेन का यूज कहाँ होता है, तो एल्बो रीस्ट्रेन का क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप्ट सर्जरी में क्या होता है,
यूज होता है, एक और रेजिस्टेंट यूज किया जाता है जो कि क्या करता है, सूचर्स को स्ट्रेचिंग से बचाता है या प्रिवेंट या ब्लीडिंग से बचाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोगन ब्लो। ठीक है, वो एक धनुष के आकार का एक रेजिस्टेंट होता है जो कि होट सर्जरी या लिप सर्जरी पे अपन यूज करते हैं, तो लोगन ब्लो वहां पर यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप, 2 आवर्स के अंदर अपना इसका आंसर जाएगा। तो देखिए, एन इनिशियल ऑर्डर टू प्लेस, नर्स विल टेक टास्क द असेस एंड रीअसेस द पेशेंट रिएक्शन एवरी 2 आवर्स और इवन आवर्स। 2 आवर्स में तो आपको असेस करना ही है, आप अगर आपके पास टाइम है तो 1 आवर्स के अंदर भी आप असेसमेंट कर सकते हो। नॉन वायलेंट रिएक्शन मस्ट अगर एवरी 2 आवर्स के अंदर करना है। डिस्क्राइब ईच टाइम व्हाट द पेशेंट इज डूइंग। ठीक है, और आपको क्या करना, डिस्क्राइब करना है मदर को जो भी है, पुलिंग तो जैसे मान लीजिए ट्यूब पुलिंग करना है, कंप्यूटर है और क्या कर रहा है, सूचर्स को टच कर रहा है, उनको खींच रहा है, तो उस टाइम अपन क्या करना है, इसको यूज वापस से करना है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक और इमेज यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, जो इमेज अवेलेबल है एक और आपके पास, इन द इमेज शो सिमेट्रिक, इन द इमेज आपको इमेज दिख रहा है। ठीक है, आपको इमेज दिख रहा है, इसमें आपको क्लियर आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। तो देखिए, इमेज आपको दिख रहा है, बेबी है एक, और बेबी क्या है, आपको बेबी दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कम डेवलपमेंट हुआ है बेबी का। तो इन द इमेज शोन क्या दिखाई देता है, दे रहा है आपको सिमेट्रिकल इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, एसिमेट्रिकल इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम और पोर्टर सिंड्रोम। तो कौन सा, किस प्रकार की अबनॉर्मलिटीज आपको इस कंडीशन में दिखाई दे रही है, 51 क्वेश्चंस के लिए आपको किस प्रकार की अबनॉर्मलिटीज यहां पर दिखाई दे रही है? आंसर कर सकते हो आप। हाँ, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, आप आंसर कीजिए, स्पीड बढ़ाएंगे आपका आंसर तो कीजिए प्लीज। इन द इमेज शो सिमेट्रिकल इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, एसिमेट्रिकल इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, पोर्टस सिंड्रोम। तो देखिए, जो आपके पास इमेज दिख रहा है, इसमें जो हेड है एंड जो लोअर बॉडी पार्ट है उसका प्रोपोर्शन सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप का प्रोपोर्शन है, और ग्रोथ रिटार्डेशन तो है ही, तो अपन को दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, जो आपका जो हेड है बेबी का वो लार्ज दिखाई दे रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं इसको, एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन। क्लियर है सभी का? एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन, क्लियर आंसर इसका है आपका एसिमेट्रिकल ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके बाद अगर बात करें हम तो आपका और क्वेश्चन हम कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही है। आज के लिए काफी है, और भी कोई अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो हम ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास आपका कंप्लीट हुआ, बिकॉज मुझे अभी इवनिंग शिफ्ट भी है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस कर लेंगे, अभी तरुण सर आपका नेक्स्ट क्लास लेंगे। ठीक है, क्लियर है, थोड़ी देर बाद। और विद इन आपका हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आपका, आपने को अच्छा लगा होगा आई थिंक, सेशन क्वेश्चन सेशन हम रख रहे हैं अब एम्स में। अब इतना इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूरत नहीं कि कौन से एम्स में है कौन से में नहीं है, आप केवल लेक्चर्स और वीडियो और क्वेश्चन आंसर से आपको होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और मैं सेशन क्लोज करने जा रहा हूँ अब।